हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मिर्ज़ा मुआसिफ फेक, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर ऑफिस होंगे, जबरदस्त होंगे, फिट पार्ट होंगे, हंसते मुस्कुराते और मुझे दुआओं में याद करते होंगे। अच्छा जी, मैं शिम आज जा रहा हूं रावलपिंडी एक मामू की तरफ, और वहां पे जो भी होगा वो भी आपको दिखाते रहेंगे, सफ़र भी आपको दिखाएंगे। इस टाइम मैं और मेरी वालदा जा रहे हैं, तो जो भी इसमें हम फंक्शन करेंगे, जो भी खाएँ पियेंगे, जो भी करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। अगर अभी तक चैनल नहीं ना सब्सक्राइब किया, जल्दी से जाएं चैनल सब्सक्राइब करें। चुप, बिल्कुल चुप। और साथ ही बने बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। लो जी, फाइनली मैंने जी टिकट जो है वो बुक करवा दी थी रात ही, उसके बाद जो है परचेज भी मैंने कर ली है। 8:20 का टाइम था, मैं और मेरी वालदा जा रहे हैं, तो दुआ कीजिएगा कि हम लोगों का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा गुजरे और हम आपको दिखाते रहें। हम जी सैर करने जा रहे हैं। हेलो जी, इस टाइम जो मेरा सामान था वो लगेज था वो भी हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ बस के अंदर, तो आपको बस का टूर भी करवाते हैं। चलो लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पे बस है, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकती है। ये बस जो है कोहिस्तान से निकलती है, कोहिस्तान एक्सप्रेस से निकलती है। यहाँ पे बिलाल डाइवो भी चलती है, फैसल मूवर्स भी चलती है, कोहिस्तान भी चलती है, तीनों का एक ही स्टैंड है। और ये हलाल ट्रैवल पे यहाँ पे तकरीबन कोई 15 मिनट का ये स्टे होता है यहाँ पे, उसके बाद ये फिर जाके कलर खार या कहीं रुकती है चल के, वो आपको सारा दिखाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ से हम हलाल ट्रेवल से निकल चुके हैं और इस टाइम हम हैं सरगोधा रोड पे। इसके बाद ये आ गया है फैसलाबाद इंटरचेंज, इसके बाद हम चढ़ने वाले हैं मोटरवे पे, तो लेट्स गो, मेरे साथ बने रहिए। जो नाश्ता है वो हम लोग नहीं करके निकले थे, नाश्ता हमने साथ रख लिया था। इस समय मम्मा जी भी फुल एंजॉय कर रहे हैं नाश्ते में। और इस टाइम जो है हमारी जो बस है वो रुकी है भेरा इंटरचेंज पे। भेरा इंटरचेंज जो है यहाँ पे कैमो तयाम होता है और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पे हमारी बस जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रुकती है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सफ़र स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी, यहाँ से हमारा समर स्टार्ट होने चल रहा है कलर कार का। यहाँ पे आपको बहुत दिलकश नज़ारे नजर आने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो लेट्स गो। ये बुलंदो बाला पहाड़, ये सरसब्ज वादियाँ, यहाँ पे आता है तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यहाँ पे जो आपको मैं पहाड़ का व्यू दिखा रहा हूँ, कैमरे की आंख में इस तरह नज़र नहीं आ रहा, मगर इसके अंदर तीन कलर नज़र आ रहे थे, जिसमें वाइट, जिसमें ग्रीन एंड रेड। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था भाई।
ये पहाड़ जो है भाई, मैं कहता हूँ कि सबसे अखीर था यार, एक से बढ़कर एक है भाई। ये पहाड़ ये भाई उससे भी अखीर है जनाब, आप कहोगे हर पहाड़ को कह रहा है अल्लाह है, नहीं रहा जा रहा भाई बोले बादल का व्यू है रे मेरे भाई, चेक कर सकते हो जनाब, कमाल है भाई, कमाल है, कमाल। जनाब यहाँ पे होता है कलर का हार का सफर खत्म। लो जी इस टाइम अब मैं जो है पिंडी पहुंच चुके हैं और हमने राइड बुक करवा ली है खान साहब के, तो अब हम जा रहे हैं बैरियर, तो अब चल के देखते हैं उधर। यहाँ पे आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता चलूँ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में एक रोड है, अगर आप फैसलाबाद और लाहौर से आते हैं तो उस सिमत से के लेफ्ट हैंड साइड पे इस्लामाबाद होगा और राइट हैंड साइड पे रावलपिंडी है। इन दोनों शहरों को जुड़वा शहर भी कहा जाता है। लो जी इस टाइम हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जेंगो को कर दी हमने बाय बाय, तो अब चलते हैं अंदर रेस्ट रेस्ट करते हैं, उसके बाद अगला देखते हैं कि फिर क्या दिखाते हैं आपको। चलो मेरे मामू हैं जिनके घर हम आए हैं। मामू तो बहुत हार्ड डेस्क ना टीवी में काम करते हैं करता हूं कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखेंगे। और जी मेरा यार 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरा करवा दें, और आपसे मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।